सभी तुम्हारे मन में तो कुछ होगा ही मेरे लिए एक वर्ड। खड़ूस, सड़ू, चिड़िया कमेटी का अध्यक्ष। सड़ू, खड़ूस, चिड़किया, चिड़किया कमिटी का अध्यक्ष। मैंने जोर से बोला क्या? है? क्या? इन्हें कैसे पता चला? ये किताबों के साथ साथ लोगों का दिमाग भी पढ़ लेते हैं क्या? सभी तुम कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो कि मैंने तुम्हारा दिमाग कैसे पढ़ लिया? क्या हुआ, तुम इतना शौक क्यों हो रही हो? मुझे तो वाकई में ऐसा लग रहा है मैंने तुम्हारा दिमाग पढ़ लिया। ऐसा ही है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, पर तुम मुझे चिड़किया समझती हो, राइट? हाँ, नहीं, मेरा मतलब है कि मैंने ऐसा कब बोला? नहीं, मैंने कब कहा कि तुमने ऐसा बोला? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। नहीं, अगर सोचती भी हो तो आई एम कंप्लीटली फाइन विद इट, आई एम ओके, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे बारे में ऐसा ही सोचते होंगे। जिन लोगों को भी मैंने आज तक कभी कुछ बोला है वो लोग मुझे चिड़किया समझते होंगे। लेकिन अगर मैं आप स्टूडेंट्स को अगर कुछ बोलता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं आपकी भलाई के बारे में सोच रहा हूँ, आपकी पढ़ाई के बारे में सोच रहा हूँ। अगर मैं आप लोग कुछ डांटता हूँ तो वो इसलिए ताकि आप सही रास्ते पर आ जाएं, ताकि आप अपनी गलती सुधारें, इधर उधर ना भटक के अपने पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करें। एंड सेम गोज फॉर तारीफ, अगर मैं आप लोग की तारीफ कर रहा हूँ तो वो भी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड ही होती है। आप मुझे प्रोफेसर कहिए, टीचर कहिए, गाइड कहिए, मेंटोर कहिए, सीनियर कहिए, मेरा मकसद सिर्फ एक ही है, अपने स्टूडेंट की भलाई, उसकी जिंदगी में कैसे इंप्रूवमेंट लाना। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं चिड़किया हूं, पल में तोला पल में माशा हूं, अगर ऐसा लगता है तो लगने दो, क्योंकि मेरा मकसद क्लियर है। मेरे बारे में कोई कुछ भी सोचे, मैं ये नहीं सोचता कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। सो मिस चव्हाण, आपको मेरा मकसद समझ में आ गया ना?